ऐसा कुछ होता है सिंगापुर का मेट्रो स्टेशन। ये है सिंगापुर का गार्डन्स बाय द बे मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे जो प्लांट्स लगा हुआ है, ये सारे आपका असली प्लांट है, वो भी बिना लाइट का है। सिंगापुर का मेट्रो स्टेशन में आपको टिकट कटाने का कोई झंझट है ही नहीं, राइट। सो अगर आप मेट्रो स्टेशन पे आते हो और आपके पास वीसा कार्ड, मास्टर कार्ड, ऐसा कोई भी कार्ड है, राइट, और उसमें अगर कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट अगर इनेबल्ड है, तो बस आप गेट में जाओगे, उस कार्ड को टैप करोगे और अंदर चले जाओगे। तो कोई और जो भी आपका टिकट का प्राइस है वो आपका कार्ड से कट जाएगा। चलिए मैं आपको एक डेमो भी दिखा देता हूँ। अभी तो मैं जाऊँगा, अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ गार्डन्स बाय द बे से मैक्सवेल बुल के एक जगह है, वहाँ पे आपका एक हॉकर्स मार्केट है, वहाँ पे मैं लंच के लिए जा रहा हूँ। देखता हूँ कैसे क्या है। रिव्यू तो देखा कि बहुत बढ़िया है, जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ऐसा कुछ सेक्शंस मिलेगा आपको स्टेशन के अंदर, जहाँ पे पूरा मिरर लगा हुआ है, तो लोग यहाँ पे डांस प्रैक्टिस करता है। स्टेशन के अंदर मुझे ये बच्चा भी दिखा जो अपने मन से ये पियानो बजा रहा था। मेट्रो स्टेशंस में ये ग्लास डोर लगा हुआ रहता है, ये सेफ्टी डोर्स है। जब ये ट्रेन रुक जाता है तो ये ग्लास डोर्स भी खुलता है, उसके बाद वो ट्रेन का दरवाजे भी खुलता है। मैक्सवेल स्टेशन में मैं अभी पहुंच चुका हूँ, तो अभी जाता हूँ यहाँ से निकल के, बस 100 मीटर ही चलना है, उसके बाद यहाँ से मैंने प्लान किया है लंच करने का। मैक्सवेल का एक हॉकर्स मार्केट, वहीं से थोड़ा ऑथेंटिक सिंगापुरियन फूड वगैरह ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, जो हॉकर्स है उनको मिशेलिन स्टार मिलता है। तो अगर आपको मिशेलिन स्टार के बारे में पता नहीं है, वो बेसिकली एक अवार्ड होता है, बहुत ही मुश्किल है पाना, लेकिन वो मिला है लोगों को, हॉकर्स को मिला है यहाँ पे। जनरली ये 5-star, 7-star रेस्टोरेंट्स जो होता है न्यूयॉर्क में या फिर सिंगापुर में भी, तो उन्हीं को मिलता है, लेकिन यहाँ पे हॉकर्स को भी मिला है। ऐसे गेट्स है, तो यहाँ पे ये जो मशीन है, यहाँ पे सिर्फ मैं अपना जो कार्ड है इसको सिर्फ एक बार टैप करूँगा। देखिए, ये जो मेरा क्रेडिट कार्ड है इसको एक बार टैप किया तो वो गेट खुल गया, और मेरा ये क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट बैलेंस कट जाएगा। मैक्सवेल फूड सेंटर, इसी को ही हॉकर्स मार्केट बोला जाता है। यहाँ पे बेसिकली जो ऑथेंटिक सिंगापुरियन क्विजीन है या फिर चाइनीज क्विजीन है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम मिलता है यहाँ पे, और शायद प्राइस भी थोड़ा कंपेरेटिवली शायद थोड़ा कम भी होगा या फिर रीजनेबल होगा। प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, ये लोग सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं, और मेरे पास है कार्ड, तो मैं यहाँ पे एटीएम पे गया, एटीएम में $20 निकालने की कोशिश किया, बट वहाँ पर बोल रहे कि मिनिमम है $50, तो अभी मुझे $50 चाहिए नहीं, इतना मैं देख करूँगा क्या। तो इसीलिए मैं देख रहा हूँ, अगर कोई और एटीएम मिलता है आसपास तो वहाँ से एक बार ट्राई करता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ, अभी मैं एटीएम ढूंढ ही रहा था क्योंकि वो वाला एटीएम काम नहीं किया, तो मुझे एक इंडियन भाई मिला यहाँ पे, वो चेन्नई से था। उसको मैंने पूछा कि आपको पता है यहाँ पे कहाँ पे एटीएम मिलता है, तो वो बोला कि हाँ उस तरफ शायद मिल सकता है। तो मैंने बोला ठीक है, चलिए चलते हैं उसके साथ। उसके साथ चलते चलते मैंने थोड़ा बात बात किया,
भाई इतना अच्छा था, भाई के पास सिंगापुरियन डॉलर्स था, तो मैंने उसको डायरेक्टली इंडियन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और उसने मुझे एज ए ही वर्क फॉर मी लाइक ए ATM, उसने मुझे ये डॉलर्स दे दिया। तो ये रहा सिंगापुरियन डॉलर, ऐसा दिखता है। ये ग्रीन वाला है आपका $5 और रेड वाला है आपका $10, और इन दोनों का वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों का इंडियन ₹1,000 के तरह। ऐसा कुछ खाना मैंने लिया है, ये पॉर्क है और इसके साथ ये सॉस मुझे मिला है, पता नहीं कैसा है, खा के बताता हूँ आपको। ऐसा कुछ होता है सिंगापुर का हॉकर्स फूड मार्केट। मैंने यहाँ से एक वियतनामीज एक नूडल्स टाइप का एक डिश खाया, अच्छा तो था ही वो। तो दोस्तों 3 बजे मैं वापस आ गया था अपने होटल पे, धूप काफ़ी ज़्यादा था और मैं टायर्ड भी हो चुका था। तो 2 घंटे के लिए मैंने एक ब्रेक ले लिया, आके मैं थोड़ा सो गया था 2 घंटे। अभी बज रहे हैं आपका 5 बजे, 5:30 बजे, राइट। तो एक मिनट में ये रास्ता पार हो गया। अभी बज रहे 5:30 बजे, तो मैं अभी जा रहा हूँ टूवर्ड्स चाइनाटाउन MRT। तो अभी मैं पहले आपको कुछ रास्ते दिखाता हूँ। यहाँ पे जो फेमस रास्ते है चाइनाटाउन में, वो बहुत ही कलरफुल रास्ते है, और एक रास्ते के ऊपर आपका तीनों मंदिर एक के बाद एक है। पहले है आपका एक मुस्लिम का मॉस्क है, इसके बाद हिंदुओं का आपका एक मंदिर है, उसके बाद चाइनीज़ का एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। हम लोग चाइनीज़ MRT लेंगे, MRT लेके हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स जो मैन मेड ट्रीज़ है वहाँ पर, क्योंकि रात को वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा एक लाइटिंग शो होता है, उसी को देखने के लिए हम लोग जाएंगे। ये बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग के ऊपर जंगल है। ये जो आप रेड और वाइट वाला बिल्डिंग देख रहे हो, ये एक ऑफिस है, पुराना स्टाइल में बना हुआ है। ये वीवर्क कंपनी ने लिया है ये ऑफिस, सिंगापुर का फेमस चाइनाटाउन का रास्ता। ये ऐसा करके कुछ सजाया हुआ है ये रास्ता। जाते जाते ऐसा एक केक शॉप दिखा मुझे, तो वहाँ से मैंने एक केक खरीदा, तो $2.3 का है प्राइस, देखता हूँ खा करके। बहुत ही सॉफ्ट है, मीठा कम है, टेस्टी है कभी। चलिए देखते हैं और आगे क्या मिलता है। यही है वो मॉस्क, हिंदू टेंपल, चाइनीज मोनेस्ट्री है, बेहद खूबसूरत है। अंदर में ऐसा आर्किटेक्चर मुझे दिखा, और चारों तरफ ये सुनहरा रंग और बीच में बुद्धा का ये स्टैचू। अंदर में जाके आपको आपका मन का एक अलग ही शांति मिलता है। और ये मॉनेस्ट्री का अंदर एक स्मेल आ रहा था, वो बेहद ही अच्छा था। चाइनाटाउन का जो मार्केटिंग जो स्ट्रीट है वो यही है। यहाँ पे चारों तरफ आपको सिर्फ दुकान वगैरह चारों तरफ दिखेगा। मैं भी यहाँ से 2 छोटा सा सुवेनियर खरीदा, और यहाँ पे आप
ये बिल्डिंग्स का कलर्स देखिए, क्या बढ़िया कलर किया है यहाँ पे। आपको यहाँ पे ये टेलर शॉप भी मिल जाएगा, इतना पुराना चाइनाटाउन हेरिटेज सेंटर में। और यहाँ पे आपको ड्रेस वगैरह सब कुछ, ऐसा रेस्टोरेंट बार, ओपन बार, ओपन रेस्टोरेंट ये भी मिलता है यहाँ पे आपको। उसके बाद मैं चाइनाटाउन का MRT लेके पहुँचा गार्डन्स बाय द बे में, जहाँ पे मैं ये रात का जो लाइट और साउंड शो है उसको देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और लास्ट में जाते जाते आप ये गार्डन बाय द बे का लाइट और साउंड शो देख कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे हैप्पी, स्टे हैप्पी। सो पिक अ स्पॉट, ग्रैब योर कैमरास एंड एंजॉय द शो।
Breathe, take me.